चिली पोटैटो ट्राई कर रही है। तो सिया को यहाँ के जो चिली पोटैटो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इस शॉप के। देखते हैं सैटरडे मार्केट में कितनी ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स आई हैं, आप देख सकते हैं। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है मार्केट में, आप देख सकते हैं। चोट के पास कुछ शायद चोट क्या लग गया मम्मी, इन्फेक्शन हो गया था मम्मी के। अरे मैं गिन आ गई ना। अच्छा अच्छा अच्छा। सो गाइज यहाँ पर जो है हम लोग जलेबी इंजॉय कर रहे हैं, और आज हमारे यहाँ सैटरडे मार्केट में एक अंकल जी लगाते हैं, वो बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं। हे गाइज गुड मॉर्निंग, व्लॉग में सिया में आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग अपने घर में ठीक होंगे, मजे में होंगे। सो गाइज टाइम अभी हो रहा है सुबह 9 बज रहे हैं। आज मैं अपनी व्लॉग की स्टार्टिंग सुबह से कर रही हूँ, और सिया चली गई एग्जाम देने के लिए। आज उसका सिया का एग्जाम है हिंदी का, और मेरा आप देख सकते हैं घर का सारा काम वैसे ऑलमोस्ट हो चुका है। मैंने जो है आज कपड़े सुबह धो दिए थे, और मेरे आज गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि ना वेदर चेंज हो रहा है और हम लोगों ने जो है स्वेटर पहनना बंद कर दिया था। सो अब मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे भी फीवर आ रहा था, और आजकल ना सब बच्चों को भी और काफ़ी लोगों को फीवर आ रहा है। तो आप लोग इस मौसम में अपना ध्यान रखें, और अभी से मतलब एकदम से स्वेटर ना उतारें। स्वेटर उतारने से ये होता है ना, वेदर चेंज हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आपको फीवर आने के चांसेस, और एकदम से ठंड गर्म होता है तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं क्या करूँगी पूरे दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं आज सोच रही हूँ कि मैं अपने सैटरडे का जो दिन है उसको यूटिलाइज़ करूँ, क्योंकि इससे पहले हम काफ़ी दिन से हम लोग शादियों में थे तो मेरे कपड़े जो है काफ़ी इधर उधर फैले हुए हैं। सो आज मैं सारी अपनी साड़ियाँ और गर्म कपड़ों को सबको अरेंज करूँगी अच्छे से, और सोच रही हूँ अगर टाइम मिला तो अपनी अलमारियाँ भी सेट करूँगी। मैं आज करूँगी पूरे दिन आपके साथ शेयर करूँगी, ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज आज मैं नाश्ते में पोहा बना रही हूँ सुबह की। आज मेरा सुबह नाश्ते में वैसे कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन मैंने कहा कि पोहा बना देती हूँ, लाइट होता है ये। सो गाइज अभी जो है शाम के बज रहे हैं 6, और हम जा रहे हैं मार्केट, और मेरे साथ मार्केट कौन कौन जा रहा है आप देख सकते हैं पीछे, और सिया। तो आज हमारे यहाँ लगी है सैटरडे मार्केट, और मुझे कुछ सामान भी खरीदना है और सब्जियाँ भी लानी है, तो हम जा रहे हैं मार्केट। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ब्लॉग में बने रहना। तो गाइज यहाँ पर जो है सिया जो है मोमोज और क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं सिया, चिली पोटैटो ट्राई कर रही है। तो सिया को यहाँ के जो चिली पोटैटो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इस शॉप के, और महेंद्र भी यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, और मैं भी कर रही हूँ। मैंने खा ली सारे, मैंने, मेरे को इतना चिली पोटैटो पसंद नहीं है सो इसलिए मैं खा नहीं रही हूँ। आप देख सकते हैं सैटरडे मार्केट में कितनी ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स आई हैं, आप देख सकते हैं। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है मार्केट में, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं फटाफट से जो है वेजिटेबल्स ले लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज हम जो है सब्जी लेके आ गए हैं, और उसके बाद हम सीधा मम्मी के घर आ गए। मम्मी का फोन आया था तो मम्मी कहती यहीं आ जाओ, तो हमने जो है जलेबी खरीदी है, अभी हम लोग जलेबी खाएंगे। और मम्मी यहाँ पर कुछ बना रही है तो पूछते हैं मम्मी से क्या बना रही है। तो गाइज मम्मी हेलो, हाय कैसे हो? ठीक है। तो ये मम्मी के ना आजकल कुछ प्रॉब्लम हो रही है, होंठ के पास कुछ शायद चोट क्या लग गया मम्मी, इन्फेक्शन हो गया था मम्मी के। अरे मैं गिन आ गई ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गाइज देखिए मम्मी क्या बना रही है आज। ये मम्मी ने बता रही है कि हरी मटर होती है ना जो ग्रीन वाली मटर, वो पीस के रखी हुई है, और ये ना इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्च क्या क्या डाला मम्मी इसमें, हरी मिर्च अदरक लहसुन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज मम्मी इसका साग बना रही है, मतलब मम्मी एक्सपेरिमेंट कर रही है आज। अच्छा चलो बढ़िया है बढ़िया। तो मम्मी ने पहले हींग डाल दी है, अब जीरा डाल रही है मम्मी। तो यहाँ मम्मी ने जीरा डाल दिया, फिर डालेंगी प्याज, और उसके बाद इसे पकाएंगी, इसका आज साग बनाएंगी। तो इसको किस में खाओगे मम्मी तुम? चावल में। चावल में, तो ठीक है। मम्मी ने कुकर में जो है चावल भी रखे हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है मम्मी से भून रही है, और मम्मी ने यहाँ पर गर्म पानी भी रखा हुआ है इसको बनाने के लिए। निम्बू को क्या बोलते थे? निम्बू ये बोलते हैं। तो मम्मी ने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसमें लोग वो भी करते हैं इनके चावल के जैसे वो बनाते हैं ना, ये क्या जैसे तो मोमोज की तरह बनाते हैं ये। हाँ। इडली। अच्छा। इडली की तरह उसके साथ खाते हैं, इसके साथ भी खाते हैं जैसे ऐसी बना के। अच्छा। तरी नहीं खाते वो लोग। चलो मैं भर के बनाओ बनाओ। सो गाइज यहाँ पर जो है हम लोग जलेबी इंजॉय कर रहे हैं, और आज हमारे यहाँ सैटरडे मार्केट में एक अंकल जी लगाते हैं, वो बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं। सो हमने सोचा कि क्यों ना मम्मी के घर ले जाएं जलेबी, और वहीं पर ही हम लोग इंजॉय करें। सो गाइस यहाँ पर जो है हम लोग भी जलेबी खा रहे हैं। आ गया वो
पापा पीछे लेटे हुए और मम्मी मेरी। हाय गाइस, जलेबी खा रहे हैं। आप लोग भी खा लो। तो गाइस महेंद्र जो है खाना खा रहे हैं। तो महेंद्र बताओ कैसा बनाया? बहुत ही बढ़िया। महेंद्र वैसे हर खाने को हमेशा बढ़िया ही बताते हैं। नहीं, रियली में बढ़िया है। बढ़िया है? बढ़िया, अच्छा चलो। सो गाइस अभी जो है हम लोगों ने खाना यहाँ खा ही लिया है, आप देख सकते हैं। और मैंने खा लिया है, महेंद्र खा रहे हैं और अब हम जाएंगे घर। और अभी जो है पापा भी खाना खा रहे हैं। ये देखिए पापा जो है मम्मी का फोन चेक कर रहे हैं। तेरे को भी दे दूं थोड़ी सी चावले? सिया भी आ गई है। खाना तो खा ले, चावले थोड़ी सी दो प्लेट में। नानी क्या है? सिया जलेबी खा लो। खाती हूँ भी, ये नहीं खाएगी। सो अभी सिया ने जलेबी नहीं खाई है, सिया ऊपर थी, ऊपर पढ़ाई कर रही थी। सो गाइस यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी है। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। महेंद्र को देखो, तब तक के लिए बाय बाय।